हेलो फ्रेंड्स, आज किसी दिन हमसे बात करेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में। दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है और लोग इसको सही समझ भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट और उनके जो इलाज है वो बहुत दिक्कत उसमें होती है। दोस्तों, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसको हम हार्मोनल डिजीज़ कहते हैं। उसके लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, उस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आमतौर से पेरिफेरल एरियाज में या बहुत अच्छे शहरों में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हार्मोनल यानी कि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वैसे ऐसे डॉक्टर मिलते नहीं हैं। उनकी इतनी ज़्यादा फीस होती है कि लोग दे नहीं पाते हैं। इसकी वजह से वो अपना ट्रीटमेंट ऐसी जगहों पर कराते हैं जहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता है और गलत डायग्नोसिस गलत ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि थायराइड की बीमारी क्या होती है, उसमें ट्रीटमेंट कैसे होता है। एक हल्का फुल्का आपको भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपको अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना है, बल्कि कोशिश ये करनी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। सबसे पहली जो चीज़ है, मैं इसमें बात करूंगा कि थायराइड में क्या जो है सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप ये पहचानें कि आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। उसके बाद हम ये बताएंगे इसमें जाँच कौन सी होती है, फिर हम ट्रीटमेंट के पहलू पर आ जाएंगे, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, थायराइड में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि पफिनेस ऑन फेस, यानी कि जनरलाइज्ड पूरे फेस पे हल्का सा आपको लगेगा कि सूजन है, स्वेलिंग है। लेकिन जो एक रीनल प्रॉब्लम में भी यानी कि किडनी की प्रॉब्लम में भी चेहरे पे सूजन होती है, लेकिन वो आमतौर से पेरियार्बाइट यानी कि आँख के आसपास होती है। थायराइड में जनरलाइज होगा, पूरा पफिनेस पूरे फेस पे होगा। उसके बाद दूसरी जो इसमें से अलामत मिलेगी वो ये होगी कि जो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी जो पर्सन होगा जिसको होगी बीमारी, उसकी पहले से कम हो जाएगी, यानी पहले जो जितना वो एक्टिव था उससे वो कम हो जाएगा। तीसरी जो इसमें अलामत जो निशानी मिलेगी, जो लक्षण मिलेगा, वो ये होगा कि उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन भूख कम हो रही है। भूख कम होगी उसकी, लेकिन वेट उसके बाद भी बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करें तो इसमें इनटॉलरेंस टू कोल्ड, यानी कि उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी, ठंड का मौसम या ठंडी उसको ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं होगी, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी ठंड महसूस होने लगेगी। उसके बाद हम बात करें तो उसकी आवाज़ भी, उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि आवाज़ उसको थोड़ा बहुत अपनी चेंज मिल सकती है पहले के मुकाबले में। फिर हम ये बात करें तो लेकिन उसका थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो यहाँ पे होता है नेक में, वो इनलार्ज नहीं होगा, बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, थायराइड जो है वो दो किस्म की होती है, एक हाइपरथायरॉइडिज्म एक हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपर थायराइड दोनों को कहा जाता है। किसी को पूछे कि आपको कौन सी बीमारी, मुझे थायराइड है। लेकिन एक हाइपर होती है, एक हाइपो होती है। हाइपो में बिल्कुल अलग, हाइपो का मतलब कम। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड से बनता है। जब ये हार्मोन कम हो जाएगा, कम बनेगा, तो उसको हम हाइपोथायरॉइडिज्म करेंगे। जब ये ज़्यादा बनने लगेगा उसको हम हाइपर कहेंगे। तो दोनों के सिम्टम्स, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। हम आज बात करें हाइपो के बारे में, इसके बाद हम हाइपर के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं, आपने इसका सिम्टम समझ लिया। नंबर एक ये कि चेहरे पे सूजन होगी। दूसरा ये कि अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होगा, बहुत वेट गेन होता है इसमें। उसके बाद ये होगा कि जो इंसान की वॉइस है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। इसी के साथ साथ उसको जो है इनटॉलरेंस टू कोल्ड होगा, यानी ठंड उसको बहुत बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के साथ उसका जो थायराइड ग्लैंड होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। आमतौर से जनरली बढ़ा हुआ नहीं मिलता है। अब हम आ जाते हैं कि इसको हम कैसे पहचाने, यानी कि क्या अब हमको जांच करानी, अगर ऐसे सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं तो हमको क्या जांच करानी पड़ेगी। तो उसमें एक होता है नीजर, डॉक्टर्स जो अगर जाते हैं तो उसमें नीजर दिखता है, जिसमें कॉन्ट्रेक्शन तो बहुत तेज़ होता है और रिलैक्सेशन बहुत स्लो होता है। ये एक डॉक्टर ही प्रैक्टिस से उसको पहचान सकता है। फिर जो दूसरी चीज़ होती है, उसमें हम T4 और TSH की जांच कराते हैं। T3 हार्मोन है, T4 हार्मोन, और TSH एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो दोस्तों, T3, T4 और TSH की अगर हम जांच कराएंगे तो वो बहुत महंगी पड़ती है, इसीलिए डॉक्टर आमतौर से सिर्फ TSH लिखता है। TSH लिखेगा तो थोड़ा सा कम भी पेशेंट की जाँच हो जाएगी। और TSH मेन इंडिकेटर है हाइपोथायरॉइडिज्म का। अगर TSH किसी का बढ़ा हुआ आता है, जो नॉर्मल रेंज है वो TSH अगर बढ़ा हुआ आता है तो वो हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट उसको मान लिया जाएगा, भले ही T3 और T4 उसका नॉर्मल हो। TSH दोस्तों इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब T3 और T4 जो मेन हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, जब वो कम हो जाएगा तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको ये सिग्नल मिलेगा कि इसका थायरॉक्सिन कम हो रहा है, तो वो बढ़ जाएगा, बढ़ के वो कोशिश करेगा कि थायरॉक्सिन रिलीज हो। लेकिन क्योंकि ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसका थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा। जब हम जांच कराएंगे तो TSH बढ़ा हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया। तो इससे कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म है। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट, इसका कैसे किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ये कंफर्म हो गया, डायग्नोसिस बिल्कुल कंफर्म हो गई कि इसको थायराइड है,
तभी उसकी दवा चलेगी, वरना अगर कंफर्म नहीं हुआ तो दवा नहीं चलती है। इसमें सब इसका ट्रीटमेंट अगर एक बार कंफर्म हो जाता है तो ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का टैबलेट चलता है 100 माइक्रोग्राम का ओडी, यानी दिन में एक बार कम से कम एक महीने तक। ये 100 माइक्रोग्राम कम से कम, अगर वो डिपेंड करता है कि उसका टीएसएच का लेवल क्या है, 150 mg/μg का भी आता है, 25 का भी आता है, तो ये टैबलेट उसकी कंडीशन पे डिपेंड करके चलता है। उसके बाद फिर 1 मंथ के बाद हम रिपीट कराते हैं उसका टीएसएच, अगर वो नॉर्मल हो जाता है तो फिर उसी हिसाब से उसकी दवा को हम कंटिन्यू करते हैं या बंद करते हैं। अगर वो नॉर्मल नहीं आता है तो डोज को थोड़ा और बढ़ाया जाता है ताकि वो नॉर्मल आ जाए। दोस्तों थायराइड की जो दवा होती है वो खाली पेट ली जाती है, लेकिन अगर कोई इल्डरली यानी कि बूढ़ा बूढ़े आदमी है या जिसकी उम्र ज़्यादा है वैसा है, या कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज का कोई पेशेंट है, तो उसमें थायराइड का जो जो दवा का डोज होता है वो थोड़ा कम दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म की पूरी बात समझ में आई होगी, इसके ट्रीटमेंट की पूरी चीज़ समझ में आई होगी, क्या इसके सिम्टम्स ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने अच्छे डॉक्टर से मिलें, अच्छे फिजिशियन को दिखाएं। ये चीज़ देखी गई है कि गाँव में लोग दिखा लेते हैं और वो इंसान सही डायग्नोसिस नहीं बना पाता है, और जो इंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है, जो थायराइड का स्पेशल डॉक्टर होता है, उसकी फीस इतनी ज़्यादा होती है या वो मिलता नहीं है आसानी के साथ, गरीब आदमी फीस नहीं दे पाएगा या मिलेगा नहीं तो इंसान कहाँ जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।